दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केट में जो नए आए हैं बॉक्स DV4510 8D बॉक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो उसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है आपके नीचे स्क्रीन में देखिए, दिख रहा होगा ग्रीन स्विच, चैनल अप्लाई, रेड अप्लाई एंड येलो एंड ब्लू स्विच मेनू। तो दोस्तों देखिए, वहीं सेम प्रोसीजर जो है हम लोग रिमोट से कर रहे हैं, ग्रीन पहले, बाद में रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लू। तो ये जो आप प्रोसीजर करेंगे तो आपके सामने सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ये जो DV4510 बॉक्स है उसमें कभी कभी कोई कोई बॉक्स में ऐसा सेम एरर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी चालू होगा, इधर से आप ब्रांड नेम चेंज कर सकते हैं और नीचे से सैटेलाइट आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए एक बार वापस दोहरा देता हूँ, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू, ये चार बटन आपको दबाना पड़ेगा और उसके बाद जो ये ऐसा वाला स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो घबराने का कोई बात नहीं है, डिश टीवी और D2H जो है ब्रांड है, उसके बाद सिग्नल जो है वो ACS8 और ST2 सिग्नल रहता है। तो दोस्तों मैंने अभी लगाया हुआ है डिश टीवी के सिग्नल में, तो मैं डिश टीवी का दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, डिश टीवी के सिग्नल में लगा हुआ है और इधर से देखिए ST2, तो उसका सिग्नल जो है वो अलग है, उसमें नहीं लगाया हुआ है, तो उसमें सिग्नल या क्वालिटी मेरे को नहीं दिख रहा है दोस्तों।